को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागदेवी से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों मैं आज आ रखा हूं तिलवाड़ा में, क्योंकि तिलवाड़ा अर्जुन जगह में पड़ते हैं। जो इस समय मैं हूं तिलवाड़ा प्रॉपर जो है सूर्य प्रयाग जो संगम है, सूर्य प्रयाग संगम के बगल में हूँ। दोस्तों आपको ये नदी दिखा दूंगा, ये जो नदी है ये बांगर पट्टी से आती है, बांगर से, इसका नाम नस्तर नदी है। और इस साइड में आपको दिखा दूं ये जो नदी का संगम है सूर्य प्रयाग, ये मंदाकिनी और नस्तर नदी का संगम है। तो चलिए दोस्तों लिए चलते हैं आपको सूर्य प्रयाग संगम की ओर, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों पहले लिए चलते हैं आपको भोले बाबा के मंदिर में। मेरे साथ हैं आज मीनाक्षी और सास ससुर जी हैं। पहुंच चुके हैं लगभग भोले बाबा के मंदिर के पास में, आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये है दोस्तों त्रिपुरेश्वर महादेव का मंदिर। आपको धन्य मंदिर में ले सकते हैं, अभी दर्शन करिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है भगवान त्रिपुरेश्वर महादेव का मंदिर, जो अनादिकाल में कार्तिकेय भगवान थे, उन्होंने जब यहाँ पे जो है त्रिपुरेश्वर जो राक्षस थे उनका वध किया था, तो ये कंफर्म करने के लिए सप्त ऋषि जो थे उनको भोले शंकर ने यहाँ पे कंफर्म करने के लिए दर्शन दिए थे। दर्शन देने के पश्चात ये कि इनका वध त्रिपुरेश्वर का वध हुआ कि नहीं, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिया। इसी के बाद यहाँ पे लिंग रूप में स्थापित हुआ। ये सब अनादिकाल से यहाँ पे पूजा पाठ भगवान भोले शंकर की त्रिपुरेश्वर महादेव के रूप में की जाती है। यहीं पर ये सामने पीछे है त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर, ये देख लीजिए यहाँ पे अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है। गाँव के लोग हैं, अनेक लोग बहुत लोग होते हैं जो कि भक्त लोग होते हैं, उनके जरिए देख लीजिए यहाँ पे देवशाला वगैरह बनाई गई है। माँ जी यहाँ पे हैं, इनका नाम शंकरी गिरी है। ये लगभग यहाँ पे 30-35 साल से रहती हैं। तो माई जी का कहना है कि यहाँ पे नीचे जो शेरा होते थे अभी माई के शेरे थे, हालांकि जब 2013 में बाढ़ आई, बाढ़ आने से जो शेरे थे वो बह गए थे। अभी माई जी यहाँ पे देख लीजिए, आपने देखा अभी ये जो माई जी ने रखा हुआ है दालें वगैरह सब कुछ माई जी ने रखी हुई है, ये सब सुखाने के लिए थी। माई जी खुद खेती करती हैं। माई जी कुछ बोला जय हो माई जी। माई जी यहाँ पे सेवा करती हैं, सेवाएं हैं विगत 30-35 वर्षों से। अरे ये बाबा मंदिर का बहुत पुराना ठीक होगा। बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के पश्चात हम अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य प्रयाग जो संगम है, सूर्य प्रयाग घाट है वहाँ पे बढ़ते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको सूर्य प्रयाग घाट की ओर, और साथ में आपको दिखाएंगे लाटा बाबा मंदिर, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। Thank you.
गंगा की नदी के मध्य में आपको दिखा दूं, वो है लाटा बाबा मंदिर। लाटा बाबा एक समय में बहुत पहले यहाँ पे एक साधु हुआ करते थे, साधु रहते थे, जो साधु बहुत शरीफ यानी कि सज्जन इंसान थे, इसीलिए और अंग्रेजी में इसको इनोसेंट बोलते हैं, जो साधु हैं वो बहुत सज्जन रहते थे और कोई यहाँ पे कभी घराट हुआ करता था, घट हुआ करते थे, तो जो गांव की जो महिलाएं वगैरह जो कोई भी पुरुष वगैरह आते थे तो यहाँ पर जो है घराट पे आने के बाद उनको खाने पीने की व्यवस्था करते थे। ये बहुत लोकप्रिय हो गए थे लाटा बाबा, सब लोग प्यार से उनको कहते थे। बाद में उनका जब शरीर उन्हें त्यागा तो यहीं पर लाटा बाबा मंदिर स्थापित हुआ, तो इसीलिए सूर्य प्रयाग के किनारे पे लाटा बाबा मंदिर है। ये सामने आप देख लीजिए वही है लाटा बाबा मंदिर। साथियों, इस समय मैं हूँ सूर्य प्रयाग घाट। ये सूर्य प्रयाग, पहले आपको बता दूँ इसका नाम सूर्य प्रयाग क्यों पड़ा। दोस्तों, ये जो नदी है ये प्रस्तर नदी है और ये जो मंद मंद नदी यहाँ पे बह रही है वो है मंदा जी। दोस्तों, ये केदारघाट से आती है और ये बांगर साइड से आती है। बांगर में अनेक जगह छोटे छोटे जो गदेरे वगैरह होते हैं वो सब मिल जाते हैं, लेकिन होता यह है ये लस्तर पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, अर्थात सूर्य को अर्घ देने वाली सूर्य नदी जो है यहीं पर, यह है केदार घाटी से आने वाली मंदाकिनी नदी और यह है लस्तर नदी। तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर में एक शहीद हुए थे आनंद जी, सुबेदार आनंद, उनका जो है अंत्येष्टि यहीं इसी घाट पे किया गया था। दोस्तों, ये आसपास के गांव जो है उनका जो घाट है यही है सूर्य घाट, सूर्य प्रयाग घाट। तो ये मंदा की नदी और ये लस्तर नदी है, आगे जाकर के जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हो जाता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और जो भागीरथी है उसका संगम होता है, वहीं से गंगा शुरू हो जाती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जखोली ब्लॉक है और जखोली ब्लॉक में तिलवाड़ा बोलकर एक जगह है। तिलवाड़ा जो कि रुद्रप्रयाग से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है और तिलवाड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य प्रयाग। पीछे देख लीजिए आप, जो ये हैं पीपल के पेड़, दो तीन बहुत पुराने पेड़ हैं और पीपल का पेड़ हमेशा प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन ज्यादा प्रवाहित करता है और रात और दिन ये पीपल का पेड़ होता है वो ऑक्सीजन देता है। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय मां दुर्गे, जय भैरवनाथ।